सो गाइज़, यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करूँगा और यहाँ पे सारे प्रोसीजर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन जो मैं बना रहा हूँ, आपको जितने भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उन सारे प्रोजेक्ट में काम देने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे URL टाइप कर दे रहा हूँ, console.developers.google.com, ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको गूगल का ऑथेंटिकेशन, सारे ऑथेंटिकेशन, गूगल मैप हो, गूगल लॉगिन हो, गूगल रोड मैप हो, ट्रैफिक हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सारे के सारे पैकेज यहाँ मिलते हैं। जो भी आप ऑनलाइन वर्क करना चाहें उसकी लाइब्रेरी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सो बेसिकली मैं इसको ऑलरेडी हिट रखा हूँ और ये हमारा डैशबोर्ड ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये न्यू प्रोजेक्ट पे मुझे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंपली टाइप कर रहा हूँ गूगल ऑथ, और आपको जो भी नेम देना हो आप नेम दे सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एरर आएगा। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर कस्टमाइज कॉन्फ़िगर होगा। कॉन्फ़िगर होने के बाद यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेटअप डन हो चुका है, क्रिएटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंपली ये जो पैनल आया है, यहाँ पर ऐड प्रिंसिपल है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट है, तो मैं सिलेक्ट प्रोजेक्ट क्लिक करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रोजेक्ट को जब सिलेक्ट किया तो इससे रिलेटेड सारे डैशबोर्ड मेरे स्क्रीन पे अपीयर हो चुके हैं। अभी आपको लेफ़्ट साइड में कुछ ऐसा पैनल दिख रहा है और यहाँ पर आपको गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके और भी सारे इन्फॉर्मेशंस, और भी सारे चीज़ें यहाँ पर आपको दिखने लगती है। बेसिकली एक्सेस ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर अभी आपको उतनी ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इज़ नॉट अवेलेबल, एक्सेस ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिल पाएगी आपको। बट यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक ऑप्शंस होते हैं जो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आई एम एन एडमिन दिख रहा है। अगेन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स दिखेंगी। मैं गूगल ऑथ पे भी हूँ तो गूगल ऑथ पे है। अगर आप माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेट होगा, ठीक है। वो कंसोल पैनल है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे क्रिएट क्रेडेंशियल पे आना है और क्रिएट क्रेडेंशियल पे आने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगर, ये लिखा है कॉन्सेंट स्क्रीन, ठीक है। कॉन्फ़िगर कॉन्सेंट स्क्रीन बेसिकली इस पे टू क्रिएट 0 ऑथ आईडी। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करता हूँ। वेट करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सटर्नल पे क्लिक करना है। एक्सटर्नल पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपसे मांगेगा, उसको आपको फिल करना है। जैसे ऐप नेम आपको फिल करना है, मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे स्टार साइन लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐप नेम दे सकते हैं। सपोज मैं दे रहा हूँ एंगुलर वेब, मैं यहाँ पे एंगुलर वेब दे रहा हूँ, ठीक है। या तो एंगुलर वेब ऐप कर दे रहा हूँ, एंगुलर वेब ऑथ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यूज़र सपोर्ट ईमेल, ईमेल आपको देना मैंडेटरी है, तो मैं अपना ईमेल आईडी पास कर दे रहा हूँ यहाँ पर। सो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जो कि वी डोंट यूज़। ऑथराइज्ड डोमेन आपको देना इम्पोर्टेंट है। फिलहाल अभी सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पे ईमेल आईडी फिर से मांग रहा है। तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईमेल आईडी आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी आप ऐड कर दीजिए जो भी आपको आपके पास हो, ठीक है। आप कोई भी जीमेल हो, हॉटमेल हो, रेडिफ मेल हो, आप ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो जीरो ऑथ कंसेंट स्क्रीन कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, फिर से सेव एंड कंटिन्यू करना है एंड समराइज पे फाइनलाइज आके बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा। अब आप यहाँ जो टेस्टिंग लिखा है यहाँ पे पब्लिश ऐप कर सकते हैं जिससे कि ये पब्लिश हो जाए, जिससे कि ये एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे नो लिमिट दिखा रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आते हैं, पब्लिश ऐप पे क्लिक कर देते हैं। पब्लिश ऐप पे क्लिक करने के बाद कंफर्म करना है आपको। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई स्टेटस, वेरीफाई नॉट रिक्वायर्ड दिखा रहा है अभी, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको URL पास करना मस्ट होता है, ठीक है। बेसिकली क्योंकि आप किस URL से एक्सेस करेंगे, तो इनेबल्ड APIs एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे जब, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का पैनल दिखेगा, ठीक है। पैनल दिखने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेगी कि क्लाउड SQL बैकएंड API वगैरह। तो इस पर मैं अगेन क्लिक करता हूँ। जब इस पर अगेन मैं क्लिक करूँगा तो आपको कुछ इस तरीके से आपको लाइब्रेरी पे मूव करेगा। उसके बाद कुछ सेकेंड वेट करेंगे तो आपका ये डन हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर मैं सेटअप करने वाला हूँ अपना फ्रंट एंड, ठीक है।
अभी यहाँ पे कुछ काम ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपके सिस्टम पे पहले से रहते हैं, तो नाउ सेटअप फ्रंट एंड करने वाला हूँ। आप वीडियो देखते चलिए, आगे क्या मैं चेंजेस करने वाला हूँ वो आप देख के समझ जाएंगे। पहला स्टेप है, यहाँ कुछ स्टेप्स में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा प्रोजेक्ट। सपोज पहला स्टेप है, हम npm इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट हम जानते हैं कि न्यू ng स्पेस न्यू स्पेस प्रोजेक्ट नेम देके हम एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई भी नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली प्रोजेक्ट नेम दूंगा लॉग इन विथ गूगल। उसके बाद थर्ड पॉइंट में है, यहाँ थर्ड पॉइंट मैं बना देता हूँ, मैं कॉन्फ़िगर, जब ये हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो उसके बाद क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर करूँगा। कॉन्फ़िगर क्या करूँगा, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस को कॉन्फ़िगर करूँगा। अब ये ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस कॉन्फ़िगर करने का सीन है वो भी मैं बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट पे है, फोर्थ पॉइंट पे ये है कि मैं एक एंगुलर की लाइब्रेरी यूज करूँगा जिसके थ्रू मैं गूगल और फेसबुक और लिंकडिन इन सारे सोशल मीडिया के थ्रू लॉगिन करा सकूँ, ठीक है। इस एक तरीके की ये एक मीडिएटर है। ये मीडिएटर क्या करता है, क्लाइंट से सर्वर पे आपको लॉगिन कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको डेवलपर्स कुछ ऐसा यूज करते हैं कि यहाँ पे आपको गूगल की क्लाइंट आईडी देंगे, उस क्लाइंट आईडी के बिहाफ पे कोई भी बंदा लॉगिन कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने दिया npm स्पेस आई हाइफन हाइफन सेव स्पेस एंगुलर एक्स हाइफन सोशल हाइफन लॉगिन। इस लाइब्रेरी को मैं इंस्टॉल करूँगा जो कि आपको npm.js की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अभी वीडियो में दिखाऊँगा प्रैक्टिकल करके तो आप समझ जाएंगे। अगेन फिफ्थ पॉइंट है क्रिएट कंपोनेंट, और कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आप लोग जानते हैं ngGC स्पेस लॉगिन। लॉगिन नाम का मैं कंपोनेंट क्रिएट करने वाला हूँ। आफ्टर दैट सिक्स पॉइंट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिक्स पॉइंट पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रखा हूँ कि ऐड स्टाइलिंग, ठीक है, ऐड स्टाइलिंग विथ बूट स्टैप। जो बूट स्टैप की स्टाइलिंग है, इसका जो बना बनाया कोड है उसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो अपने क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेक्स्ट फॉर्मेट में डाउनलोड करना है या कॉपी कर लेना, उसको ऐड कर लेना, ठीक है। बेसिकली स्टाइलिंग के लिए है, कुछ स्पेशल इसका बहुत अहम रोल नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रन कराएंगे अपने गूगल अपने एप्लीकेशन को या अपने प्रोजेक्ट को। रन कराने के बाद जो हमारा एट्थ पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट है, और रन कराने के लिए आप लोग को पता है ngs-o। एट पॉइंट में हम कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन प्रोजेक्ट का जो भी कंक्लूजन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे मेन चीज़ होता है। सो आई होप कि आप लोग कंक्लूजन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कंक्लूजन सबसे मस्ट होता है। अगर आप कंक्लूजन नहीं देख रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप आधी मिस कर देंगे। तो यहाँ अपन डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं लॉगिन ऐप नाम से, उसके बाद इसको एंटर करके ओपन करते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं, और यहाँ पे URL पे मैं टाइप करता हूँ cmd, और सिंपली यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। वन सेकेंड, ये मेरा क्लाउड सर्वर की कुछ URL पेस्ट हो गया। तो npm इंस्टॉल मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले npm इंस्टॉल करता हूँ। कभी कभी npm इंस्टॉल करने पे नहीं होता तो एक काम करते हैं, npm इंस्टॉल -g स्पेस @angular/cli। ये कमांड हिट करते ही हमारे विंडो मशीन में एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब तक एंगुलर इंस्टॉल होता है तब तक कुछ काम की बात कर लेते हैं। देखो, ये जो हमारा एप्लीकेशन आज मैं बना रहा हूँ, इस एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा काम होता है, अगर आप कोई आप ई कॉमर्स साइट बनाते हैं, रेस्टोरेंट साइट बनाते हैं, तो उसमें यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए ng न्यू स्पेस लॉगिन विद गूगल दिया। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मांगेगा, वुड यू लाइक टू ऐड राउट, सो आपको यस करना है, यस मतलब वाई लिख के एंटर करना है। देखो मैं वाई लिख के एंटर किया, उसके बाद css बाय डिफ़ॉल्ट चूज कर लेना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है कुछ काम के बाद फिर से कर लेते हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैं बता रहा था कि रेस्टोरेंट, ऑनलाइन, ई कॉमर्स और बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप एंगुलर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई ना ईमेल आईडी डालना चाहता है, ना पासवर्ड क्रिएट करना चाहता है, मतलब कोई बंदा साइन अप नहीं करना चाहता और डायरेक्टली क्लिक करके ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है, मतलब क्रिएट हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। ये लाइब्रेरी कॉपी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, npm js में आपको मिल जाएगा, इसको सिंपली गूगल पे पेस्ट करता हूँ।
सबसे पहले देखो npmjs.com की साइट आ रही है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ये देखो कमांड दिख रहा है, इसको क्लिक करके कॉपी करा मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, उप्स ये क्या आ रहा है, इसे बैक करता हूँ। अगेन इसको मैं कॉपी करा और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना, npm i के बाद हाइफ़न हाइफ़न सेव ज़रूर करना, जिससे कि आपकी ये लाइब्रेरी सेव हो जाए, क्योंकि एंगुलर 13 में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जो कि लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है, तो आपके प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहे हैं, फोर्सली इंस्टॉल करना पड़ता है कोई चीज़ को, तो फोर्सली इंस्टॉल करने से बेटर है कि आप हाइफ़न हाइफ़न सेव यूज़ कर लें या हाइफ़न ग्लोबली सेव यूज़ कर लें। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगर करना है अपने appmodule.ts को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बनी बनाई हैं, लिखा है, सारे आर्टिकल लिखे हैं, आप इस आर्टिकल के बिहाफ पे भी ये पूरा प्रोजेक्ट डन कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वर्ड में आपको समझा सकूँ कि सारी चीज़ का मतलब क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे appmodule.ts। एक काम करते हैं, इसको सबको पहले मिनिमाइज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं कोड स्पेस डॉट करके पहले विजुअल स्टूडियो कोड पे पूरे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन हो रहा है, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ और गेट स्टार्टेड, ये कोई काम का नहीं है। नाउ अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं अपने appmodule.ts को। तो यहाँ पे आते हैं, ऐप्स के अंदर आते हैं, appmodule.ts के अंदर आते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर कुछ नहीं करूँगा, देखो सिंपली यहाँ से कोड उठाऊँगा, पेस्ट कर दूँगा। अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है आपको। यहाँ से आपको इम्पोर्ट वाला ये पूरा का पूरा इस पूरे पार्ट को कॉपी करना है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, अब अपने प्रोजेक्ट पर आया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इम्पोर्ट कीवर्ड, इम्पोर्ट जो एरे है, देखो यहाँ पे इम्पोर्ट एरे है, यहाँ पे सोशल लॉगिन मॉड्यूल, सोशल लॉगिन मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना है। तो अपने प्रोजेक्ट पे आएंगे हम, देखो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें आपको चेंज करनी होती है। मेन हमारा appmodule.ts होता है, तो यहाँ पर हम इम्पोर्ट एरे के अंदर हम सोशल लॉगिन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, कॉमा के साथ। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोवाइडर्स पे भी क्लाइंट की आईडी देनी पड़ती है। सॉरी यार, बेसिकली क्लाइंट की आईडी इसलिए दी जाती है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं कि हाँ इसी यूज़र अकाउंट पे हमारा सारा का सारा जो भी लॉगिन करेगा डेटा ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमा करके पहले सोशल लॉगिन मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक काम करते हैं, अगेन फिर से अपना क्रोम खोलते हैं, यहाँ पे देखो प्रोवाइडर्स, ठीक है, प्रोवाइडर्स एरे जो है, इस पूरे पूरे प्रोवाइडर्स एरे को मैं कॉपी करूँगा अभी, क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइडर्स पूरे एरे को मैं यहाँ सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और ये प्रोवाइडर्स जो है इसको पूरा सिलेक्ट करता हूँ, यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ कुछ पहले चीज़, हमें गूगल प्रोवाइडर चाहिए, फेसबुक नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अभी लॉग इन विथ गूगल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो इसको सिलेक्ट किया मैंने और सिलेक्ट करने के बाद रिमूव कर दिया, ओके। एंड नाउ नीचे इधर आ रहा है, इस कॉमा को हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो प्रोवाइडर आईडी है, ये प्रोवाइडर आईडी आपको कहाँ मिलेगी, आपके गूगल के क्रेडेंशियल में मिलेगी। गूगल क्रेडेंशियल में आपको प्रोवाइडर आईडी अगर नहीं मिल रही तो भी आप हमें कमेंट में दें, हम आपकी हेल्प कर देंगे। फिलहाल इस क्रिएटर आईडी की जगह पे मैं अपनी क्लाइंट आईडी पास कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारा ये सारे डेटा डन हो गया, तो इसके सारे चीज़ को रिमूव करते चलता हूँ मैं। इसको हटा दूँ, इसको हटा दिया, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया और ये भी डन हो गया। नाउ अब सबसे पहले हमें क्रिएट कंपोनेंट करना है, लॉगिन नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो चलो लॉगिन नाम से कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ngc लॉगिन, और उसके बाद वेट करते हैं, यहाँ पे हमारा लॉगिन कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, डाउनलोड हो गया, सॉरी क्रिएट हो गया, ठीक है। तो कंपोनेंट क्रिएट हो जाने के बाद हम मिनिमाइज इसको करते हैं। मिनिमाइज होने के करने के बाद एक काम करते हैं, लॉगिन कंपोनेंट पे आते हैं और सबसे पहले तो हम लॉगिन कंपोनेंट पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है।
डिज़ाइनिंग बेसिकली इसलिए करेंगे क्योंकि इसका डिज़ाइन सबसे सिंपल है और कुछ लाइन का है, तो इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बीजे ट्रांसपेरेंट यूज़ करूँगा, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहे जैसे कि कूल दिखे। तो बीजे ट्रांसपेरेंट क्लास जो कि बूटस्ट्रैप का होता है आप लोग जानते हैं, डॉट बीजे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट गलत है क्या स्पेलिंग यार, वन सेकेंड। हाँ ठीक है, गलत है पेरेंट, ठीक है अब सही है। और इसमें सबसे पहले तो मैं देने वाला हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट ही रखूँगा। ओके ग्रेट, नाउ अगेन मैं आ जाता हूँ होस्ट पे। होस्ट हमारा क्या होना चाहिए, होस्ट पे हाइट मान के चलता हूँ 100% कर देता हूँ, सही है ठीक है। एंड यहाँ पर हम इंटर करते हैं, डॉट फोटो, जो फोटो नाम की क्लास होगी वो कैसे दिखनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट फिट पे कंटेन कर देता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट फिट को कंटेन रखता हूँ। और यहाँ पर उसके बाद फिर से आता हूँ डॉट कार्ड, जो हमारा कार्ड होगा कार्ड को भी थोड़ा सा, बहुत छोटा सा CSS कोड था इसलिए मैंने कहा पहले CSS कोड लिख देते हैं, ठीक है। कार्ड को मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ 20 rem देता हूँ। एंड हाइट हमारी जो होनी चाहिए इसकी, सॉरी मार्जिन जो होना चाहिए हमारा 0 and 8 होना चाहिए, ठीक है परफेक्ट। इतना हमारा क्लियर हो गया है। एंड और कुछ तो शायद बचा नहीं इसमें कुछ अगर मान लो उस पर 0 auto हो चुक है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा डाउट हो, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, ठीक है इतना डन रखते हैं। अपने लॉगिन डॉट टी एस पे आते हैं, और लॉगिन डॉट टी एस पे सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, ऑथ सर्विस को इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऑथ सर्विस इंजेक्ट कर रहा हूँ। ऑथ सर्विस पे क्या रहेगा हमारा कि जो सोशल का सर्विसेज है, सोशल ऑथ सर्विस, उसको इंजेक्ट कर लेता हूँ। देखो इंजेक्ट हो गया ऑलरेडी। अब यहाँ पर एक मैं यूज़र नाम का वेरिएबल लूँगा जो कि सोशल यूजर रहेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सोशल आउट सर्विस के अंदर पहले से है, ठीक है। तो अभी देखो करता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो बेसिकली उसका रीज़न, उसका वर्क ही यही है कि जो भी हमारा इसके अंदर प्री डिफाइंड कोड है हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम कुछ अलग से वेरिएबल बनाते हैं तो उसको एज ए टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे यूज़र नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ कोलन, और यहाँ सोशल यूज़र लेता हूँ, ठीक है। सोशल यूज़र हमारे एंगुलर एक्स हाइफन सोशल हाइफन लॉगिन का प्री डिफाइन डेटा टाइप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, आप इसको सॉल्व या तो आप अनडिफाइंड दे के कर सकते हैं या तो एक्सक्लेमेटरी लगा के, तो मैं एक्सक्लेमेटरी लगा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये ऑलरेडी इम्पोर्ट हो चुका है टॉप पर। अब हम एक काम कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। एनजी ऑननेट के अंदर अब एक सर्विस पे, सर्विस को हिट करते हैं, ठीक है। एनजी ऑननेट के अंदर तो यहाँ पर हम एक बार एंटर करते हैं दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट ऑथ स्टेट डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्या करूँगा मैं, यूज़र को सब्सक्राइब करूँगा, ठीक है यूज़र। और यहाँ पे एरो बैक फंक्शन के साथ मैं काम करता हूँ दिस डॉट यूज़र इज इक्वल यूज़र कर देता हूँ, जो हमारा ये वाला यूज़र है इसके अंदर इसका यूज़र का सारे डेटा आ जाए, ठीक है। सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं दो मेथड बनाऊँगा, पहला साइन इन विद गूगल और दूसरा साइन आउट का, ठीक है। तो साइन इन विद गूगल करूँगा, और ये एक मेथड है, ये मेथड पे आपको कॉल करना है। इसको एनी टाइप का आप दे सकते हैं कि यहाँ पे एनी टाइप रिटर्न करें। और यहाँ पर मैं मेथड को मैं सिंपली लिखूँगा दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट साइन इन
बना बनाया इसमें सारा चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद साइन इन के बाद आप यहाँ पर गूगल लॉगिन प्रोवाइडर आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोवाइडर आईडी, प्रोवाइडर आईडी कहाँ है, आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस से ये गैदर कर लेगा, ठीक है। अब प्रोवाइडर आईडी के अंदर क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट आईडी को गैदर करके यहाँ से साइन इन कर देगा। उसी तरीके से यहाँ साइन आउट का भी मैं मेथड बना दे रहा हूँ, साइन आउट को भी मैं एनी टाइप का ही रखूँगा। तो यहाँ पे साइन आउट पे एनी टाइप का रखा, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड यहाँ पर दिस डॉट ऑथ सर्विस डॉट साइन आउट सेम वैसे ही है, और साइन आउट पे कुछ आर्गुमेंट नहीं पास करना, साइन आउट कर दोगे तो डायरेक्टली साइन आउट कर देगा, ठीक है। सेव कर देना है। अब आपको यहाँ पे मैं कमेंट पास कर दे रहा हूँ, फॉर साइन इन, और यहाँ पे फॉर साइन आउट, ठीक है। ये साइन इन का मेथड था, ये साइन आउट का मेथड था, साइन आउट यूज़र, ओके। तो बस इतना सिंपल सा लॉगिन का टीएस कोड लिखना था। अब मेन जो कोड लिखना है आपको एचटीएमएल का कोड लिखना है। एचटीएमएल का कोड चलो दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एचटीएमएल पे आते हैं। एचटीएमएल पे यहाँ पे हमने जो जो क्लासेस बनाई हैं वो क्लासेस को अभी कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ड्यू लेता हूँ, ड्यू डॉट जम्बोट्रॉन, एक जम्बोट्रॉन लेता हूँ, जम्बोट्रॉन, और जम्बोट्रॉन में जम्बोट्रॉन डॉट बीजी हाइफन ट्रांसपेरेंट जो मैंने अभी कॉल किया था सीएसएस पे क्लास, और यहाँ पे साथ ही साथ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। उसके बाद अगेन एक छोटा सा ड्यू फिर से लूँगा मैं, ड्यू डॉट कार्ड, यहाँ पे एक मैं कार्ड ले रहा हूँ तो कार्ड को भी टेक्स्ट सेंटर रखूँगा, कार्ड का डॉट टेक्स्ट सेंटर। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक एच सिक्स ले लेता हूँ। एच सिक्स में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मुझे जो भी मैसेज दिखाना हो बेसिकली, तो मैं यहाँ पे मैसेज दिखा रहा हूँ कि एच सिक्स के अंदर एक काम करते हैं, कार्ड दे देते हैं, कार्ड हाइफन हेडर, कार्ड का हेडर देखना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास करूँगा लॉग इन विथ गूगल कर सकते हो आप, या साइन इन विथ गूगल, आप जो भी देना चाहो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूँगा लॉग इन विथ गूगल इन एंगुलर, लॉग इन विथ गूगल इन एंगुलर 13। आफ्टर दैट यहाँ पे फिर से इंटर करता हूँ। जब कार्ड का हेडर बना तो कार्ड का टाइटल भी बनेगा, कार्ड की बॉडी भी बनेगा, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक अगेन ड्यू बनाता हूँ, यहाँ पे कार्ड हाइफन ब्लॉक करता हूँ, एक ब्लॉक के फॉर्म में कार्ड हमारा बने। तो इस ब्लॉक में मैं क्या करूँगा, एच फोर टैग लूँगा, और एच फोर टैग में, एच फोर टैग की भी क्लास में कार्ड हाइफन टाइटल पास करूँगा। कार्ड टाइटल में मैं बेसिकली दूँगा नॉट साइन साइंड इन, नॉट साइंड इन, ठीक है। इसको आप शेप कर देना। उसके बाद फिर इस ड्यू, ये जो ड्यू हमारा क्लोज हो रहा है, मतलब ये जो ड्यू हमारा है कार्ड ब्लॉक का, इसी के अंदर एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ मैं। पैराग्राफ टैग बेसिकली इसका भी क्लास में दे देता हूँ, क्लास में कार्ड हाइफन टेक्स्ट, ठीक है, कार्ड पे जो टेक्स्ट होना चाहिए। और यहाँ दूंगा लॉग इन विथ, लॉग्ड इन विथ, या तो सॉरी यहाँ पे आपको लिखना है साइन इन विथ, क्योंकि साइन इन हो रहा है ना, लॉग इन नहीं हो रहा, साइन इन विथ, ठीक है। तो बस इतना इस वाले पैनल पे करना है। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और ड्यू लेते हैं, इस ड्यू के बाहर कार्ड ब्लॉक ड्यू के बाहर एक ड्यू लेते हैं, इसका कार्ड ब्लॉक देते हैं, कार्ड ब्लॉक एंटर करते हैं, और यहाँ पे एक बटन लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल और बहुत इजी चीज़ बता रहा हूँ, और सबसे इजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ, इससे इजी तरीका कहीं नहीं आपको मिलने वाला। बटन टैग लिया, बटन टैग के अंदर बीटीएन क्लास, बीटीएन क्लास के अंदर बीटीएन हाइफन सोशल हाइफन आइकॉन, ठीक है। एंड इसके साथ एक और क्लास ऐड करने वाला हूँ, डॉट बीटीएन हाइफन
google.mx1, ठीक है, एंटर कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक काम कर लेता, एक स्पैन टैग ले लेता हूँ। स्पैन टैग में गूगल का आइकन पास करा दूंगा। बेसिकली इस पे क्लिक इवेंट के थ्रू साइन इन विद गूगल वाले मेथड को फायर करूंगा, ये वाले मेथड को, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि एरर ना आए हमारे प्रोग्राम में, और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद सेव कर दूंगा। उसके बाद एक काम करते हैं, अब यहाँ पे मैं स्पैन टैग लेता हूँ। पहले रुको, इसको वर्ड रैप कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को क्लियरली दिखे, बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्पैन, और स्पैन टैग के साथ क्लास लूँगा। क्लास में बेसिकली फाफा आइकन यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर FAB स्पेस FA क्या हो रहा है, गलत सलत टाइप हो रहा, हाइफन सोच गूगल, ठीक है। ओके, बस इतना आपको कर देना है, गूगल बटन अपने आप आ जाएगा। और इतना वाला हमारा सेक्शन आई होप कि डन हो चुका है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, इन जो तीनों ड्यू, यहाँ पे पहला ड्यू, दूसरा ड्यू क्लोज हो रहा है, ठीक है, दूसरे ड्यू के बाद लास्ट वाले ड्यू जहाँ क्लोज हो रहा है उससे पहले, ठीक है, फिर से एक काम करते हैं, एक कार्ड बनाते हैं, ड्यू डॉट कार्ड डॉट टेक्स्ट हाइफन सेंटर, एंटर किया। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, यहाँ पे ngif लगाते हैं। ngif में पहले चेक करता हूँ यूज़र है, अगर यूज़र है तभी यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे h6 पास करेंगे, h6 के अंदर कार्ड हाइफन हेडर, और हेडर के अंदर मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इमेज टैग ले लेता हूँ। हेडर के अंदर हमारा इमेज दिखे सही रहेगा। तो लॉगिन विथ गूगल, एक काम करते हैं, हेडर इमेज, सॉरी h6 के अंदर हेडर इमेज नहीं पास होगी, h6 के बाहर पास होगा, ठीक है। लॉग इन विथ गूगल इन Angular 13। अब यहाँ जहाँ पे h6 हमारा क्लोज हो रहा है, इसके बाद, तो यहाँ के बाद एक काम करते हैं, एक ड्यू फिर से लेते हैं, ड्यू डॉट कार्ड हाइफन ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद फिर से नीचे आते हैं, यहाँ पे एक इमेज टैग लेते हैं, img डॉट, यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं बहुत ध्यान से देखना, card-img-top.img-responsive, ठीक है, इमेज रिस्पॉन्सिव आप लोग जानते होंगे क्लास, ठीक है। उसके बाद एक मैंने फोटो नाम का क्लास का डिज़ाइन किया था, तो उसको भी यहीं ऐड करना है, डॉट फोटो, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद इस src के अंदर आपको यूज़र डॉट फोटो url इंटरपोलेट कराना है। तो यूज़र्स के अंदर क्या है, यूज़र डॉट फोटो url है, ठीक है, तो फोटो url आप पास कर देना यहीं पे, सेव कर देना। और एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे कंडीशन एक और लगेगी स्ट्रक्चर डायरेक्टिव के थ्रू, ngif यूज़र डॉट फोटो url, ठीक है, यूजर डॉट फोटो url है, तो ये यूजर डॉट फोटो url आप दिखाओ, ठीक है। उसी के बाद तुरंत मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक जैसे ही ये इमेज टैग क्लोज हो रहा है, उसके बाद हम एक ड्यू लेते हैं, और ड्यू के साथ ड्यू डॉट, यहाँ पर मैं कार्ड हाइफन ब्लॉक फिर से लेता हूँ, और इस ब्लॉक के अंदर अब की बार
इस ब्लॉक के अंदर सारी चीज़ें के हम पास करने वाले हैं। जैसे कार्ड H4 टैग लूँगा, H4 टैग में कार्ड हाइफन टाइटल, कार्ड का टाइटल पास करूँगा। टाइटल में बेसिकली क्या करूँगा, इंटरपोलेट कराऊँगा यूज़र का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरपोलेट कराऊँगा यूज़र डॉट नेम NAME, ठीक है। तो यूज़र नेम यहाँ पे हमें दिख जाएगा। उसके बाद इसको पूरा, इसके बाद P टैग लूँगा पैराग्राफ टैग में, बेसिकली यूज़र का मतलब ईमेल आईडी पास करा दूँगा। तो इसको क्लास दूँगा कार्ड हाइफन टेक्स्ट, और कार्ड हाइफन टेक्स्ट देने के बाद यहाँ पे इंटरपोलेट कराऊँगा यूज़र डॉट ईमेल, जैसे कि यूज़र का नेम फ़ोटो दिखे, फिर यूज़र का नेम दिखे, फिर यूज़र की ईमेल दिखे। ईमेल के बाद प्रोवाइडर नेम भी दिखना चाहिए कि लॉगिन विथ गूगल हुआ है, लॉगिन विथ फेसबुक हुआ है, कि लॉगिन विथ लिंक्डइन हुआ है, ये सारी चीज़ें दिखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक पी टैग और लेते हैं, उसका क्लास टेक्स्ट कार्ड टेक्स्ट लेते हैं, और इंटरपोलेट में यहाँ पर सिंपली टाइप करते हैं यूज़र, वन सेकेंड, ये कर्सर इधर, यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन विथ, लॉग्ड इन विथ, ठीक है, जिससे कि पता चले कि हाँ किस प्रोवाइडर के थ्रू लॉग इन हुए हैं, ठीक है। कॉलन और इंटरपोलेशन के अंदर सिंपली टाइप करूँगा यूज़र डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, तो पता चलेगा कि कौन से प्रोवाइडर के थ्रू लॉग इन हुए हैं। सेव कर दूँगा, ठीक है, इतना हो गया, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, साइन आउट का भी बटन होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो साइन आउट के लिए ड्यू लेता हूँ कार्ड हाइफन ब्लॉक। अब इसके अंदर एक फिर से मैं बटन टैग लेता हूँ जिसका क्लास BTN डॉट BTN हाइफन डेंजर, ये सिंपली बूटस्ट्रैप की क्लास है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी क्लिक इवेंट कॉल के थ्रू मैं क्या करूँगा, साइन आउट वाले मेथड को फायर करूँगा सिंपली। तो साइन आउट वाला मेथड कहाँ है, लॉगिन कंपोनेंट्स के अंदर है, तो यहाँ सिंपली साइन आउट कहाँ गया, ये रहा नीचे वाला, ठीक है। इसको सिंपली कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ साइन आउट वाले मेथड को यहाँ पे फायर करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब देखो, ये हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन हो चुका है। सिंपली यहाँ टाइप करना है साइन आउट, साइन आउट किए, सेव कर देना है, और सेव करने के बाद अब एक काम करते हैं अपन, ये सारी चीज़ें हमारी डन हो गई है, लेकिन टॉप पे एक काम करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, टेस्टी कोडीज प्रोजेक्ट वीडियो अच्छा लगेगा मतलब, ठीक है। तो अभी तक कोई एरर नहीं है, किसी कंपोनेंट्स पे कोई एरर नहीं है कहीं अभी तक मुझे, मतलब कोड टाइम पे एरर नहीं मिला है। तो मैं एक काम करूँगा, डायरेक्टली चेक करूँगा रन टाइम पे एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले H1 क्लास लेता हूँ, H1 क्लास में टेक्स्ट सेंटर डालता हूँ, टेक्स्ट सेंटर डालने के बाद यहाँ टेस्टी कोडीज प्रोजेक्ट वीडियोज़ रखूँगा, ठीक है, प्रोजेक्ट वीडियोज़। और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस होगी तो उसके लिए परेशान ना होना, क्योंकि मैं थोड़ा विलेज में आया हूँ तो इस वजह से समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट एंड लास्ट में हार्ट ऐड कर दे रहा हूँ टेस्टी कोडीज प्रोजेक्ट वीडियोस, और सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब मेरा सारा प्रोजेक्ट डन हो चुका है, फाइनली वो टाइम आ गया है कि मैं लास्ट में बूटस्ट्रैप के CDN ऐड कर दूंगी। तो बूटस्ट्रैप का CDN बेसिकली मैं नोटपैड पे लिख रखा हूँ, उसको मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट करूँगा, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। बूटस्ट्रैप 4.1 है बेसिकली, ठीक है, jQuery 3.1 है, और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसको मैं क्लाउड सर्वर पे डाल दूंगा अपने, वहाँ से आप टेक्स्ट फाइल में डाउनलोड कर लेना और आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी आप लोग खुद ही पता है getbootstrap.com, बहुत सारे प्रोजेक्ट बताएं उसको देख सकते हो। तो अब फाइनली टाइम आ गया है कि प्रोजेक्ट को रन करा के चेक करने का। तो यहाँ पहले इसको देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं, ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब बात आती है ng-serve-o, तो ng-serve-o पे मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे ही क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। और यहाँ पर एक बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो हमारा यूज़र आईडी दिख रहा है। जैसे ही मैं क्लिक किया अपने ईमेल आईडी पे, अब मुझे दिखना चाहिए मेरी सारी डिटेल, वन मोमेंट प्लीज़। तो चलो, ओ वाओ, लुकिंग ग्रेट, यहाँ पे मेरी इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है, लोकल हाउस 42001 हो रहा है, टेस्टी कोडीज, ईमेल आईडी, लॉगिन विद गूगल, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स दिख रही है। सो
ये रहा आज का वीडियो, और यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि अगर आप प्रॉपरली वीडियो किसी के भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, हमारे ही चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपरली अगर एक एक चीज़ देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद ही दूसरे को ट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना यार, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स का। बाय।